चंद्रयान 3 के सफल अभियान का हिस्सा रहे आकाश धाम ने सांसद ढाल सिंह बिसेन और सामाजिक संगठनों ने परिवार को दी बधाई। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण में जहां विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ा, तो वहीं चंद्रयान में शामिल बालाघाट भी दो होनहार वैज्ञानिकों के कारण ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए गदगद दिखाई दिया। बालाघाट जिले के भटेरा चौकी वार्ड नंबर 11 निवासी वैज्ञानिक आकाश पिता सेवक राम धाम ने भी इस मिशन का प्रमुख हिस्सा रहे, जिसका पता चलते ही बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन और अवंतीबाई लोधी महासभा सहित कई संगठन आकाश धामने के निवास स्थान पहुंचकर गुलदस्ता और श्रीफल देकर मिठाई खिलाकर बधाई दी, जहां सांसद बिसेन ने मोबाइल पर साइंटिस्ट आकाश धामने से मोबाइल पर बात कर देश के गौरव में और भी योगदान देने की बात कर बधाई दी। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 में जो उन लोगों की जो सीनियर टीम ने काम वो सराहनीय है, देश के लिए गौरवान्वित है। विश्व पटल पर कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? वो तो विश्व मानती है भारत को महागुरु, तो उपलब्धि की तो बढ़ने नहीं उच्च। अच्छा, कब चले गए थे ये दिसंबर 17 में वहाँ ज्वाइनिंग किया है और तब से अभी तक के वो वही। अच्छा, प्रेरणा कैसे मिली उनको साइंटिस्ट बनने की? उनको प्रेरणा, अब बच्चे आज के जो हैं वो अपने आप में ही प्रेरणा वाले हैं। माँ बाप तो खैर उनको जैसा बोलेंगे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो भी मांगेंगे उसकी सुविधा बात दे देते हैं। गरीबी में रहे या अमीरी में रहे, पर वो अपने हिसाब से वो मेंटेन करते हैं। सब शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई उनकी? उनकी 12वीं तक के बालाघाट में गवर्नमेंट स्कूल में हुई है और बीटेक उन्होंने किया है वेल्लोर से, चेन्नई से। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए अपना दिल्ली विल्ली में कोचिंग किया है। उसके बाद इनका जब वहाँ सिलेक्शन हुआ इसरो में, तो वो उसके पहले तो UPSC में, यहाँ MPSC में भी हुआ था, पर YY में उसका नहीं हो पाया था, तो दुखी हुए थे। तो हमने उनको समझाया था दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मनोबल को बढ़ा करके रखो। और एक महीने बाद फिर उनका इसरो में हो गया, तो इसरो में बढ़िया खुशी गए। अभी कौन सी जगह में है वो? अभी वो केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र में है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से? अरे हमें तो अब ऐसा है जैसा देश कर रहा है वैसे ही हमको भी है। आपका परिचय बताएं। सहजलाल जी, अवंतीबाई लोधी महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज रवि धामने परिवार में, धामने परिवार की है। तो आज हम लोग ने तो जानकारी मिली कि चंद्र अभियान 3 में जो टीम काम कर रही है उसमें एक है तो बालाघाट के भी दो लड़के हैं, जिसमें अपने धामने परिवार से भी एक लड़की है। तो हमने जानकारी लिए और फिर उनके परिवार में आके उनके पिताजी से मिले हम लोग और सम्मान किए। उनके पिताजी का भी हम लोग ने सम्मान किए और वो जब आएंगे तो उनका भी है तो सम्मान करेंगे, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत है हमारे ज़िले के लिए। बड़ी गर्व की बात है क्योंकि एक छोटा सा ज़िला बालाघाट मध्य प्रदेश का, यहाँ से भी जो दो लोग हैं तो साइंटिस्ट और है तो चंद्रयान 3 में कार्य किए, ये हमारे देश के लिए तो गर्व की बात है, ईश्वर के लिए भी है और हमारे बालाघाट ज़िले की तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर जो निकला हुआ बच्चा वहाँ जाके साइंटिस्ट बन गया है, इससे गर्व की बात है और हमारे समाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। इस पर हम लोग को गर्व है और पूरी समाज को गर्व रहना चाहिए ऐसे बच्चों के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर जयश्री भामने है और आकाश कौन लगते हैं आपके? आकाश भैया जो है वो मेरे छोटे देवर है और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम भी है। और आज जब चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर पहुँचा है तो जब लोग स्टेटस लगा रहे हैं, पूरा इंडिया आज हम लोग व्हाट्सएप
व्हाट्सएप का ज़माना है और इंस्टाग्राम का ज़माना है, उसमें सबको ही पता है कि सब लोग इंस्टाग्राम में स्टोरीज और व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तो सब लोग लिख रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया और ये सब चीज़ें। जब देखते हैं, जब पता चलता है, महसूस होता है कि भाई मेरे घर का भी एक मेम्बर है जो इतने बड़े महान कार्य और इतने बड़े मिशन में ऐड है, तो एक मन जो है वो एक अलग सा फील करता है और एक स्टैंडर्ड और स्पेशलाइजेशन फील होता है हमको, और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि इतने बड़े भारतीय मिशन में हमारे घर का एक पर्सन ऐड है और वहाँ पर अपना कार्यरत और सेवाएं दे रहा है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए क्या उसका मतलब रुझान था क्या साइंटिस्ट के ऊपर? मेरी अभी तो मैं उतना नहीं जानी हूँ, बट भैया जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा लक्ष्यवान है, मतलब उनको ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद होता है जो थोड़ा टफ हो और जिसमें लेवल ज़्यादा हो, जिसको पार करने में बहुत मेहनत लगे, तो वो बिल्कुल चैलेंजिंग पर्सन है वो, है ना। और इसी बेस पर जब उन्होंने जब न्यूज़पेपर में जब भी उस समय में ये पता चला था कि इसमें ऑल इंडिया में ओनली 5 सीट है, इसी बेस पर उन्होंने इसको फोकस किया था कि भाई मुझे इसमें से टारगेट करना है और पहली बार में अटेम्प्ट करके निकलना है। उन्होंने मतलब पढ़ाई तो बहुत की है, वेल्लोर सिटी से, चेन्नई से IIT वगैरह सब कुछ किया है, बीटेक भी किया हुआ है, हर चीज़ें उन्होंने पढ़ाई करे हैं, लेकिन जो चंद्रयान वाले मिशन में जो जाने का जो था, ये साइंटिस्ट जो बनना था उनको, ये उनका एक मिशन था कि उनको नंबर बनाना था और कम सीट में सबसे पहले नंबर पे आना था, और उन्होंने फिर इसमें काम किया। ये बात है कि पूरा देश जश्न में है, विश्व पटल पर भारत का नाम लहराया है कि चूँकि चाँद पे चंद्रयान 3 के माध्यम से एक परचम लहराए, तिरंगा फहराए। ऐसे में आपके लोकसभा विधान क्षेत्र से 3-4 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो चंद्रयान 3 के पार्ट रहे हैं, कितने बड़े गर्व की बात है? निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, और मैं तो इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी को और इसरो के सारे वैज्ञानिकों को जिनके प्रयास से चंद्रयान दक्षिण ध्रुव में उतरा और विश्व में पहला देश है भारत जो दक्षिण ध्रुव पर, जहाँ पूरा अंधकार रहता है, ऐसे चंद्रमा के ध्रुव पर उतरा, ये बहुत बड़ी सफलता। और कभी कभी इसको हमें कहते हैं कि एक यश किसके भाग में लिखा है, तो यश हमारे हमारे आकाश सेवक राम जी धामने जो हमारे बालाघाट के निवासी हैं, एक हमारे ठाकरे जी हैं, मेरे सिवनी में सोनी है, ये ऐसे सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बालाघाट सिवनी के जो इसरो में है। पहले देखिए इसरो क्या होता है जानते नहीं थे, और आज ऐसे छोटे छोटी जगह से बच्चे निकल के जिनको स्पेस के उसमें रुचि है उसमें जाकर के अपने सेवाएं दे रहे हैं, मैं इसको नौकरी नहीं कहूँगा, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसी खोज कर रहे हैं। पर तब संभव हो पाया जब देश का नेतृत्व भी जो है उनका सहयोग करता है, और आज उनको जिस तरह से सहयोग किया गया, तो कम समय में चंद्रयान 2 फेल होगा तो चंद्रयान 3 एक साल के अंदर में उसको भेज करके बड़ी सफलता प्राप्त की, और जिस तरह से निराश हुए थे तो मोदी जी ने हमारे उनको सांत्वना दी थी, हमारे वैज्ञानिक जी को, नाम एकदम मुझे याद नहीं आ रहा। तो देखिए कि एक संबल देना भी एक पिता तुल्य होकर के, और उसी का परिणाम रहा कि आज सारे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सफलता चंद्रयान 3 को भेज करके प्राप्त की। हमने तो देखा होगा कि उसी के 4-6 दिन पहले रशिया का जो लूनर गया था वो ध्वंस हो गया उसका। तो इसलिए हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी नहीं, केवल उनको अवसर देने की, उनको प्रोत्साहित करने की। किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान का टैलेंट विश्व के टैलेंट से कम नहीं है, पर केवल उनको अवसर मिलने की पारी है। अवसर मिला तो आज आकाश जी ने अपने पूरे सारे दलों के साथ मिलकर के बालाघाट का भी नाम रोशन किया। मैं पुनः आकाश को और पिताजी सेवक राम जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इसलिए आज मैं उनका बालाघाट मेरे आगमन पर मैंने उनका आभार भी व्यक्त करने के लिए आज मैं उनके पास आया, और उनका मैं सम्मान, एक छोटा सा सम्मान उनका मैंने किया, और पुनः उनके लिए और बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। चंद्रयान 3 के बाद भाऊ